हाँ, मैं अभी गांव कस्याली में, और थोड़ी देर पहले उठना हुआ। मेरे साथ है मेरा मित्र महेंद्र सिंह पटवाल। हेलो दादी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अभी हम थोड़ा इधर घूमने आए थे, नीचे की साइड रोड में, और रोड से अभी जा रहे हैं जहाँ शादी हो रही है प्रियंका की। तो वहाँ अभी थोड़ा टेंट वेंट लगाएंगे। बारात आएगी आज करीब 11-12 बजे तक बारात आ जाएगी, और बस बारात की तैयारी करनी है, खुद को भी तैयार करना है, और काफ़ी इस महफिल में रंग जमाने के लिए हमारे काफ़ी सारे मित्र हैं, जैसे पटवाल जी हो गए, योगेश कंडवाल हो गए, सागर हो गए, और काफ़ी लोग हैं जो उधर रंग जमाएंगे महफिल में। और कल रात की जो नृत्य था वो बहुत बढ़िया रहा, काफ़ी अच्छा डांस करा हमने। दोस्तों, मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा कस्याली का जापानी महल। अब बिल्कुल जैसे जापान में घर होते हैं लोगों के, उसी डिज़ाइनिंग में ये सबसे यूनिक घर है इस गांव का। मतलब किसी महल से कम नहीं है ये, और किसी हवेली से भी कम नहीं है। और अभी इसको और डेकोरेट कर दिया गया है, और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ हमारे लखेड़ा सिरमान जी रहा करते थे कभी इसमें, वो भी अकेले एक रूम में। शादी का जो कार्यक्रम है वो इस जगह पे होने वाला है, और यहीं पे जयमाला जुमाला सब यहीं पे होगी। बगल में ही रसोई है, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि बगल बगल में ही दोनों चीज़ें हैं। वाह, ब्यूटीफुल काउस। जयमाला के लिए स्टेज लगाया जा रहा है लॉन्डो के द्वारा यहाँ पे। तो डीजे की व्यवस्था बगल में है, और अभी हमने ये तख्त लेके आए 3-4, और कनात भी लगभग लगभग लगाई थी गांव के लड़कों ने। अब ये थोड़ा बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जो लोग जयमाला देखना चाहेंगे उनके लिए। दुल्हन का भाई बहुत ही व्यस्त सुबह से 5 बजे से। शर्मा जी भी ज्वाइन हो गए नाश्ते में, पटवाल जी तो कर ही रहे हैं, और मैं भी नाश्ता करता हूँ। तो लोग उधर की साइड खा रहे थे, हमने कहा यहाँ आराम से बैठ के खाते हैं साइड में, क्योंकि खाने का मज़ा बैठ के ही है। काफ़ी चढ़ाई काटने के बाद सांस थोड़ा फूल सा गया है, और ये देखिए अभी नीचे से आ ही रहे हैं लोग साथी। तो यहाँ से एक बढ़िया नज़ारा दिखता है इस गांव का, और हम आ चुके हैं धारा में। ये हमारे मैकफेल पटवाल, बारात आ रही है तो थोड़ा चमक जाना चाहिए हमें भी। तो यहाँ धारा मतलब पंदेरा नहाने के लिए। पुराने ज़माने में, पॉली टाइम में, यहाँ बहुत आना जाना होता था। हमारे शर्मा जी कहाँ हैं? चले गए नहाके? नहाके गए हो? बाल्टी नहीं छोड़ के यहाँ? अच्छा, तो शर्मा जी तो चले गए नहा के, और पॉली टाइम में हम बहुत आते थे यहाँ पे। हाउ इज़ योर फीलिंग टुडे? बहुत थक गए। हाँ, बहुत ऊपर चढ़ाई पे था ये जो धारा है, और धारे में पानी की मात्रा भी कम दिख रही है। फिलहाल अभी हम नहाने वाले हैं, और ठंडा बहुत हो रहा है, यहीं पर भी नहाएंगे। क्या ये यहाँ पे गाय पीती है पानी? गाई सिंचाई वाले कम हो गए ना? अभी तो हमने इसे तो करा है, 2 किलोमीटर नीचे गांव से। आने की प्रोसेसिंग चालू है। सागर अपनी एप्स दिखाते हुए, ये देखो इसको। धारा से ये वाला रास्ता जाता है बिस्टखोला की तरफ, मतलब जब हम पौली में रहते थे तो इसी रास्ते से हमारा आना जाना होता था। ये देखो, बहुत बिजी है लड़का ऑफिस के कामों में। तो हमारा नहाना धोना सब हो चुका है धारा से, और नहाने के बाद ये बैग में हमने कपड़े रख लिए हैं, और हमारे सागर भाई देखिए पानी भर के ले जा रहे हैं धारा से घर की तरफ। बाकी जो साथ वाले लड़के थे वो पहुंच चुके हैं नीचे, और हम यहाँ लास्ट में अब जा रहे हैं। शायद आधे घंटे में बारात भी आ ही जाएगी, तो अभी आधा घंटा है हमारे पास तैयार होने के लिए, क्योंकि जब से हम कस्याली आए हैं तब से हमने चेंज नहीं किया है, मतलब यही कपड़े चल रहे हैं। तो अब बारात आएगी तो थोड़ा बहुत चेंज भी होगा, थोड़ा बहुत पार्टी होगी, थोड़ा बहुत मस्ती होगी, और बिल्कुल माहौल को रंगमंग करने के लिए
बहुत सारे दोस्त हैं हमारे पास, और जैसा कि हम धारा में आए तो हमें थोड़ा सा पुरानी यादें और ताज़ा हुई, तो काफ़ी इमोशनल, काफ़ी यादें जुड़ी हैं इस पॉलिटेक्निक से हमारी। तो गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ से देखने में, एक नज़र मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये जो पेड़ के पीछे ये वाला घर है, पॉली टाइम में ये हमारा रूम हुआ करता था, और उसके बाद इस वाले पे मदन लोग रहते थे, और यहाँ रहती थी कुछ लड़कियाँ हमारे साथ की, हिमानी, प्रेरणा लोग। और अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको याद आएगी पॉली की। वो है वो सामने। हाँ, और काफ़ी जो जितने भी मित्र थे वो सब यहीं रहते थे कस्याली में, लगभग ज़्यादातर लोग कस्याली में ही रहते थे। सागर चले गया है पानी की बाल्टी लेके। इधर से ही चलना हमने। तो आते समय हम इस रास्ते आए थे, जाते समय हमने ये वाले रास्ता चूज़ किया है। मरा देवी मते सजंता सते कृता मति मति वसुवा।